मैं प्लान नहीं करूं तो फिर मुझे ऐसे होता है, जैसे ही शाम होती है ना तो मुझे ऐसे लगता है थोड़ी बहुत ग्रोसरी करेंगे और थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं उनका साइज गलत आ गया था और अभी पहले वो चेंज करा नहीं, ये जेंट्स के कोई अलग होते हैं, एक ही कलर होते हैं, नहीं अलग अलग होते हैं। लेट्स गो। क्या शूट? बस ये बनाना तुमने मुझे। This is me Kirtlan and you're watching Pakistani Mom Abroad. जी वेलकम टू एन अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग जी? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। साथ ही अजान हो गई है मगरिब की, जैसे ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया तो अभी मैं खामोशी अख्तियार करती हूँ। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल गिव यू टुडे। Give it to me, let me check. English की स्कूल में इस पर रिवीजन कराएंगे। अभी मैं जा रही हूँ मगरिबी नमाज़ पढ़ने के लिए और जी मगरिब की नमाज़ पढ़ के आती हूँ एंड दीज आर द बंडल ऑफ वर्कशीट्स और इसमें जी क्या है, अनीज़ा का टुमारो है इंग्लिश का एग्ज़ाम, ये अनीज़ा की वर्कशीट है, फिर अब्दुल्ला का कमिंग एग्ज़ाम है जी साइंस का, तो ये साइंस की वर्कशीट्स हैं, एक चैप्टर वन की है और फिर जी है चैप्टर टू की वर्कशीट और है जी ये चैप्टर थ्री की, ये तीन वर्कशीट्स अब्दुल्ला को करवानी है और जी ये है इनका टाइम टेबल, एग्ज़ाम का टाइम टेबल है इनका। अपनी आसानी के लिए ताकि मेरे लिए मैनेज करना आसान हो तो फिर मैंने एक ही टाइम टेबल के ऊपर अनीज़ा अब्दुल हादी और अब्दुल्ला का नाम लिख लिया है। अब कमिंग जो है ट्यूसडे को अनीज़ा का है इंग्लिश का और अब्दुल हादी का है मैथ्स का और अब्दुल्ला का है अरबी का और उसके बाद जी फिर नेक्स्ट बाद में बताती हूँ। पे है साइंस का अब्दुल हादी की ये वर्कशीट है और ये भी अब्दुल हादी की वर्कशीट है, ये जो है ये भी इनको करवानी है। तो ये सारा प्रिंट करने का और इस तरह सेपरेट सेपरेट नाम लिख लेने का मकसद सारा मेरा ये होता है कि मुझे जो है सारा कुछ मिक्सअप ना हो, क्योंकि माशाल्लाह चार बच्चों को पढ़ाना उनके एग्ज़ाम्स में स्पेशली दैट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। जो भी मदर्स हैं जिनके माशाल्लाह दो या तीन बच्चे हैं, दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड माई सिचुएशन कि किस तरह स्पेशली एग्ज़ाम में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। खैर इस वजह से मेरे पास घर पे प्रिंटर है तो मैं कोशिश करती हूँ इनकी वर्कशीट्स, इनके टाइम टेबल कुछ मैंने फ्रिज पे लगाए हुए हैं। ये स्पेशली व्लॉग उन मदर्स के लिए हेल्पफुल है जो कि दो या तीन बच्चों की माएँ हैं और जिनके एग्ज़ाम है, तो ऐसे ही करना चाहिए। जो भी वर्कशीट्स हैं उनको आप प्रिंट निकाल लें और प्रिंट निकालने के बाद जी आप उनको किसी ऐसी जगह पेस्ट कर दें सामने, स्पेशली एक तो जो एक तो वीकली प्लानर आता है उसमें, दूसरा फिर मैंने इनकी कौन से दिन कौन सी क्लास है वो भी प्रिंट कर लेती हूँ, उनको हाईलाइट करती हूँ कौन से दिन इनका कौन सा यूनिफॉर्म पहनना है, फिर इनका मैंने यूनिफॉर्म का स्टैंड भी सेपरेट कर दिया है वो ताकि यूनिफॉर्म बाकी कपड़ों में मिक्स ना हो, और फिर उसके बाद जी अब जैसे एग्ज़ाम्स हैं तो वो भी सारी वर्कशीट और सबके ऊपर नाम लिखा हुआ है पूरा प्लानर। ये अगर मैं प्लान नहीं करूँ तो फिर मुझे ऐसे होता है जैसे ही शाम होती है ना तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे एंग्जाइटी अटैक्स आ जाएंगे। उनको पढ़ाना, उनकी वर्कशीट्स देखना, साथ उनकी कुरान पाक की क्लासेस, उनकी एक्टिविटीज़, फिर उसके बाद फिर मुझे अपना यूट्यूब का भी काम करना होता है जो कि है जस्ट लाइक माई जॉब, मुझे अपना भी काम करना होता है बिकॉज आई लव टू डू वर्क। यू ओपन योर इंग्लिश वर्कशीट और मैं नमाज पढ़ के आती हूं। ओके रानी, मगरिब की अजान हुई है बेटे, जाओ प्लीज। अब्दुल हादी, अब्दुल हादी बेटे मगरिब की नमाज, चलो शाबाश मेरा बेटा, मैं भी मगरिब की नमाज पढ़ने लगी हूँ, आप भी पढ़ो। के गए हैं ना तो फिर मैंने कोशिश की है प्रिंट निकालने की ना, तो मेरे से नहीं निकला है, अब आप मुझे प्रिंट निकाल दें क्योंकि मैं उसका एग्ज़ाम है सुबह तो मैं उसका कराऊँ। अब्दुल हादी का है साइंस का और मैं समझ रही थी कि उसका है मैथ्स का। एलो बाबा व्हाट हैपन, आप खुदकुशी क्यों कर रहे हैं मेरे डोर के आगे आके हैं मेरे प्यारे एलो बाबा? नहीं मेरे प्यारे एलो बाबा, एलो बाबा डोंट फाइट विद मी प्लीज़ एलो बाबा, नो 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 एलो बाबा प्लीज़। अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी है और स्टार्ट ऑफ द वीक है तो चीज़ें आपको पता है ख़त्म हो जाती हैं और फिर लेनी पड़ जाती है क्योंकि बच्चों का स्कूल है तो लंच के लिए कुछ ना कुछ लेना होता है, तो वो लेने के लिए भी जा रहे हैं हम लोग। वहाँ से थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करेंगे और थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं उनका। तो गाइज अभी मैं रुकी थी पहले एक शॉप पे क्योंकि वहाँ से मुझे अपने कुछ कपड़े चेंज कराने थे, साइज़ गलत आ गया था और अभी पहले वो चेंज कराए हैं और उसके बाद ये भी जाने लगे हैं ग्रॉसरी करने के लिए, ग्रॉसरी करेंगे
और जल्दी जल्दी वापस भी आना है क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम है, तो फिर उनके वक्त पे सुलाना है। बाकायदा स्कूल वालों ने नोटिस भेजा हुआ है कि बच्चों को 8 आवर्स की स्लीप करानी है, शावर कराना है। मुझे बड़ी अच्छी लगी ये चीज़। चलो वैसे तो सबको ये बात पता होती है, लेकिन पेरेंट्स को उन्होंने एक्स्ट्रा रिमाइंडर भेज दिया है। काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं स्कूल्स का, तो बच्चे मेरे जिस स्कूल में जाते हैं ये सब ब्रिटिश स्कूल और इसकी फ़ीस भी इकोनॉमिकल है। अगर किसी को पूछना है मेरे से तो कमेंट करें, देन आई लेट यू नो। और बहुत अच्छा स्कूल है, किसी दिन मैं डिटेल ब्लॉग बना के भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और उसके अलावा बल्कि मैं स्कूल वालों से भी बात करूंगी कि अगर वो मेरे बिहाफ पे अगर कोई आता है उनको फर्दर डिस्काउंट देते हैं, तो आई टॉक टू द स्कूल मैनेजमेंट। और जी पाकिस्तानी मोम अब्रॉड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाले मजीद ब्लॉग्स को देख सकें, बिकॉज आई ऑलवेज शेयर अबाउट इकोनॉमिकल अकोमोडेशन इन UAE, इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल लिविंग, एजुकेशन एंड ग्रोसरीज एंड एवरीथिंग। नया व्लॉग अपलोड किया है मैंने दुबई रन 2023 का, तो उसको भी जाके देखें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो अभी जाती हूँ, ग्रोसरी करती हूँ और कितने की ग्रोसरी आती है हमारी एक हफ्ते की आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। चले पूरे महीने का ले लो, ले ले बनाई। अच्छा मैंने कहा मुझे बता रहे हैं। अंदर कुकम्बर कौन डालता है इसमें? इतना तो गिर गया सब। लेडीज का कलर नहीं चाहिए मुझे भाई। नहीं ये क्या, जेंट्स के कोई अलग होते हैं, एक ही कलर होते हैं। नहीं अलग अलग होते हैं। अब मैं खैर अभी चलने के जा रही हूँ, मैं अभी आपको ये अभी 100 रन का जान लगा रहे हैं, इंशाल्लाह वो 15 दिसंबर से फाइनल हो जाएगा। गाइस माय ग्रोसरीज आर डन और अनएक्सपेक्टेड मेरा इस दफ़ा बिल थोड़ा सा ज़्यादा बना है। उसकी वजह ये है कि मैंने फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स ज़्यादा लिए हैं और मैं किस तरीके से इनको पैक करूँगी, फ्रीज़र में रखूँगी ताकि मैं पूरा वीक, बिकॉज आई वॉन्ट टू लूज सम पाउंड्स और उसके लिए मुझे आई वॉन्ट टू डू सम डाइट प्लान, तो उसमें हेल्थी फूड्स खाना है मुझे।
और किस तरीके से वेजिटेबल्स और फूड सारा कुछ काट के मैं स्टोर करूंगी, फ्रीज करूंगी, आई विल शेयर विद यू गाइस, स्टे ट्यून कीप वॉचिंग पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड। आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। बच्चे घर पे वेट कर रहे हैं और उनको जाके खिलाना मिलाना है और उसके बाद उनको सुलाना है, सुबह उनका एग्जाम है। और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सो गाइज, हेयर आर द वेजिटेबल्स विच आई बॉट टूडे और मैंने उन सबको कट किया है एंड यू कैन सी आई मिक्स्ड ऑल ऑफ देम एंड अब मैं क्या करूँगी, आई विल पैक देम इन द जिप लॉक बैग्स एंड देन आई विल फ्रीज देम इन द फ्रीजर। एवरी डे आई विल टेक जस्ट वन बैग। सो गाइज, हेयर आर माई वेजिटेबल्स, दे आर सेव्ड एट लीस्ट फॉर 1.5 वीक फॉर मी।